राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, पेशेवर गुंडों और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए कन्हैया लाल का गला रेंग दिया जाता है, यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमा मंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके, किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। बुलडोजर की सरकार वहां पर है, बुलडोजर कभी राइट लेफ्ट घूम गया तो पता नहीं किसके घर में घुस जाएगा। ये कोई राज है, डेमोक्रेसी है ये? कुछ लोग खुश होते हैं इससे, कुछ लोग खुश हो जाते हैं इन बातों से, पर कानून का राज नहीं रहेगा तो आप हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कानून का राज रहना सबसे आवश्यक होता है, और धज्जियां उड़ा दी है उसने कानून का राज की, जिनका नाम आप ले रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि ये लोग देश को कहां ले आना चाहते हैं, आप समझ सकते हो। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बात करूंगा अपनी स्कीमों की, अपनी परफॉर्मेंस की, अपने फैसलों की। 3 लाख नौकरियों का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है, महंगाई राहत के हमने शिविर लगा दिए हैं, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, पेंशन मिनिमम 1000 रुपये कर दी है, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, सोशल सिक्योरिटी में हम सबसे आगे हैं देश के अंदर। मेरे मतलब जो गवर्नेंस मुझे करनी थी उस पर हमने कमी नहीं रखी है।